आज बनाना सीखते हैं पनीर चीज़ रोल। सबसे पहले आपको एक कप मूंग दाल को 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगोना है, फिर उसको अच्छी तरह से वॉश कर देना है। जब तक कि पानी पूरा क्लियर नहीं दिखने लग जाए उतनी बार आपको वॉश करना है, 2 से 3 बार आप पानी में वॉश कर सकते हैं। फिर इसको आप अपने मिक्सर ग्राइंडर के जार में लीजिए और उसको थोड़ा दरदरा पीस दीजिए। पहले पानी मत डालना, एक अदरक डालना, एक हरी मिर्च डालना और उसको दरदरा पीस देना। अब आप उसमें पानी डाल के वापस उसको पीस दीजिए अच्छे से, एकदम फाइन पेस्ट बन जाना चाहिए जैसा कि आपको अभी दिख रहा है, बिल्कुल इतना ही फाइन। अब आप उसमें अपने स्पाइसेस डाल दीजिए जो कि है सॉल्ट, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, हल्दी, ये सब स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डाल दीजिए जो भी आपको पसंद है। और एक मुट्ठी आप कसूरी मेथी डाल दीजिए क्रश करके। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लो ताकि आपका काफ़ी अच्छे से सारे फ्लेवर्स इसके अंदर घुल जाए। एंड इसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए रख दो। अब मैंने एक क्यूब पनीर का लिया है और एक क्यूब चीज़ का लिया है, इसको मैं अच्छे से कस दूंगी। एंड मुझे ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो मैंने अपनी चॉइस के हर्ब्स इसके अंदर डाल दिए। आप भी अपने हिसाब से अपनी चॉइस के हर्ब्स डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर सकते हो, ये हमारी फिलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। ये हर्ब्स अब एकदम रेडी है बीच में फिलिंग के लिए। मैंने एक पैन को गर्म कर दिया है, इसके ऊपर मैं अच्छे से घी पूरा ब्रश कर दूंगी पूरे पैन पे। ये याद रखना, हम वेट लॉस कर रहे हैं, हमारी वेट लॉस जर्नी में ये काम आएगा तो घी थोड़ा हमें कम ही लगाना है। अब मैंने अपना एक स्पून बैटर इस पे अच्छे से स्प्रेड कर दिया एंड वापस मैंने घी लगा दिया। एंड अब मैं इसको थोड़ा सा सिकने दूंगी अच्छे से, नीचे से पहले ये सिक जाएगा, फिर मैं इसको पलटी कर दूंगी एंड देन मैं दूसरी तरफ से भी इसे सेक लूंगी। ये अच्छे से सिक गया है तो अब मैंने इसको पलट दिया है और दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से सिकने दूंगी। अब जो भी मेरी फिलिंग है वो मैं उसको डालूंगी। पहले मैं पनीर डाल रही हूँ, फिर मैं चीज़ डालूंगी और मैं वापस उसके ऊपर पनीर डालूंगी एंड देन पनीर को अच्छे से मैं दबा दूंगी ताकि वो इवनली पूरा अंदर फिल हो सके। तो मुझे ये काफ़ी फिलिंग और हैवी लगे एंड एक में ही मेरा काम चल जाए। चीज़ मैंने इवनली स्प्रेड कर दिया, अब मैं इसको ढक दूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए एंड चीज़ स्प्रेड हो जाए। अब इसका रोल बना दूंगी एंड इसको दोनों तरफ से अच्छे से सिकने दूंगी एंड मेरा चीज़ रोल बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको मैंने कट कर लिया है एंड ये रहा आपके साथ। अब आप इसको ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। बाय।